जी सबको क्या हाल चाल है भाई साहब। रात को सोते सोते हो गया था 3 एंड उठ गया हूँ मैं, क्योंकि टाइम से उठना ज़रूरी था, नहीं तो फिर अब सुबह वाली दिक्कत हो जाएगी। पर आज थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा कि दोपहर में सोचूँ मैं यार हाफ एन आवर। अब उठ गए हैं तो कॉफ़ी बनाते हैं, बढ़िया दिखाता हूँ आपको। मैंने कॉफ़ी अभी ऑर्डर भी करी थी, अब कॉफ़ी बनाऊँगा, पियेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे और पढ़ने बैठेंगे। हाँ जी, तो यार पहले तो देखो सारे के सारे मेरे को ये ज़रूर बताना दैट हु आर द कॉफ़ी लवर्स या फिर हु आर द टी लवर्स। ठीक है, चाय वाले बंदे कहाँ जी, हम तो सिर्फ चाय वाले हैं। देखो मेरे को तो कोई भी हॉट बेवरेज दे दो तो मज़ा आ जाता है, बट पता नहीं क्यों यार इस तरीके से कॉफ़ी बनाने का ना कुछ मतलब अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है मेरे को। पहले ये जैसे जिस तरीके से हमारा एस्प्रेसो निकल रहा है, उसके बाद गर्म दूध में उसको फ्रॉथ करना, झाग बनाना, मतलब मज़ा आ जाता है यार। अब बाहर जाके कहाँ 300-400-500-600 रुपये खर्चते रहे हम लोग स्टारबक्स वगैरह में, तो भाई इतने अमीर तो अपन है नहीं। हम इसी तरीके से काम करते हैं और साइड बाय साइड अपन आ गए अपने हिंदू एनालिसिस के लिए। देखो यार पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है वेल एंड गुड, लेकिन जब भी उसका हो ना न्यूज़पेपर पढ़ो तो अपने नोट ज़रूर बना लेना, ताकि जब भी कोई मंथली मैगजीन आए तो आप उससे एक बार मैच कर सको कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस सही रास्ते पर चल रहा है, जो UPSC डिमांड करता है क्या मैं उस तरीके से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मतलब किस तरीके से हम अपने विजन को आगे लेके चल रहे हैं। अगर तो आपका मैच कर जाएगा तो आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा बार मैच हो रहे हैं, और अगर वही चीज़ मंथली मैगज़ीन में भी है तो उस पर तो हमने ज़्यादा फोकस देना है। मैं आजकल क्योंकि थोड़े से घर के कामों में भी हल्का फुल्का बिज़ी चल रहा हूँ, तो मैंने सर के एनालिसिस देख लेता हूँ यार। पता नहीं क्यों मेरे को तो मतलब बहुत जचता है कि बस सर की ना होलिस्टिकली बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई पैसे पुसे ले रखे हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं, क्योंकि हमारा आया होता है पार्सल, अपन ने मंगाया था एक डैश कैम, तो जल्दी से नीचे जाता हूँ मैं, कहा भैया जल्दी एक बार आओ और हम इस डैश कैम को कर देते हैं सेटअप, ताकि यार कई बार होता है कि कोई आपदा आ जाए, कोई भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो काम आ जाता है अपने लिए, है ना। बारिश शुरू हो गई है भाई, ऊपर बादल काले हो गए, तो बादल गिरे हैं, पहले तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में पड़ते हैं ना, और ये ब्लैक क्यों है ये भी पता होना चाहिए भाई साहब। फाइनली अपने इसको तार के में फाइनली कर ले, और तार वैसे यहाँ से निकाल भी दिए भाई, इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे ये सब, इम्पोर्टेंट है। आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने कि गाड़ी गुड़ी मार दी है कि अपनी गलती है, अब पता चल जाएगा कि किसकी गलती है। यार मेरे को ना कईयों ने पूछा कि अगर हम सपोज सोशियोलॉजी कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, तो देखो बुक में हमने पहला टॉपिक उठा लिया कि सोशियोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, क्या है, फिर हम देखते हैं उसके PYQs को। PYQs में टॉपिक उठा लिया स्कोप एंड सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, वहाँ पे सोशियोलॉजी को पूछा है रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड है कि अदर सोशल साइंसेज से बताओ, फिर कहीं पर आपको हिस्ट्री दिख जाएगा, बायोग्राफी दिख जाएगा, मतलब कोई भी स्पेसिफिक कोई साइंस का टॉपिक उठा लेंगे और कहेंगे आप इसके साथ कंपेयर करो, या पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन डिफरेंस इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने पढ़ना कैसे है। वैसे अगर हम सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में देखेंगे तो वहाँ पे हमें ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो PYQs हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और कहीं से भी मिल जाएंगे, तो मेरे को तो यहाँ से मैंने साइट से ढूंढ लिया था तो मेरे को मिल गया फ्री उसमें था। तो इसके बाद मैंने तो देखो पहला अपना सेशन, जो मैंने हमेशा ही बोला कि मेरा फर्स्ट सेशन विल ऑलवेज बी माई ऑप्शनल, वो इसलिए यार क्योंकि ये जो वो सब्जेक्ट है ये ऐसे जो नंबर बहुत खिंचवाएगा, है कि नहीं है। Alexa, set a timer for 37 minutes. 37 minutes, starting now. इसके बाद छोटा सा नैप लिया और वापस आ गया अपने काम पे। देखो यार मेरा ये वाला सेशन लंबा जा रहा था, मैंने सोशियोलॉजी को ना भी थोड़ा सा हल्का ज़्यादा टाइम दे रहा था, बिकॉज इसके मैंने नोट्स वगैरह भी सेटिंग करनी थी, और मेरे को ये था कि एक बार जितनी जल्दी हमारा ये वाला कम्प्लीट हो जाएगा एक टेंशन दिमाग से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों, क्योंकि दिसंबर तक मेरे को इसकी आंसर राइटिंग भी करके बिल्कुल सेट होना है। इसके बाद मैंने लिया पॉज ताकि चले अपन मंदिर। ये देख लो सारे के सारे, वो देख लो, ओए नो पंगेबाजी भाई साहब आए हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, और कुछ अपडेट देंगे क्या? अपडेट देनी है भाई,
क्या प्लान है सब आपके? नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? नौकरी भाई हम खुद छोड़ते हैं। नहीं वो तो हमें पता है, दबदबे पे छोड़ते हैं। नवी नौकरी कहाँ ले रहे हो? नवी नौकरी भाई, भाई साहब इतने तगड़े हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं, दो जगह नौकरी ली छोड़ के आ गए, हमें नहीं रहूंगा। तीसरी जगह से फिर कॉल आ गई। अब कहाँ जाने का प्लान है? अभी देखते हैं भाई। अंदाजा नहीं, फ्री करवा देना व्यूअर्स के लिए। जहाँ बाबा जाएगा वहाँ जाएंगे। तो खट्टू श्याम जी, जहाँ सरकार, जहाँ सरकार चाहेगी वहीं जाएंगे हम। अच्छा जी, चलो मिलते हैं गाइस। चलो यार अपन मंदिर जाना है, जरा मत्था वगैरह टेक लेते हैं एंड फिर वापस काम पे। जेड प्लस सिक्योरिटी कहते हैं जी इसको। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब तक हम सबको पता चल चुका है कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, राइट? एंड हम लोग दो कैटेगरीज में हो सकते हैं। नंबर वन, इधर हम लोगों ने क्लियर करा होगा या फिर क्लियर नहीं किया होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो रिजल्ट रहा है उसमें यह है कि अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है। और ये वीडियो मैं सिर्फ अपने इमोशंस शेयर करने के लिए बना रहा था, बिकॉज बहुत लोगों के मेरे को टेक्स्ट भी आए कि हमारे 90s में भी आए हैं बट हमारा क्लियर नहीं हुआ है। एंड तो मेरे को भी लगा कि यस हाँ, क्योंकि लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा। देखो यार, यहाँ दो तरीके के बंदे हो सकते हैं फेलियर में भी। एक, जिसको कोई बुरा ही नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। और दूसरा, जिसको बुरा लग रहा है क्योंकि उसने बहुत अपने मेहनत एफर्ट्स को पुट इन किया था पर रिज़ल्ट आज हमारे फेवर में नहीं रहा। ठीक है, हम ये हमेशा कहते हैं कि यार जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं मिलता, बट ये भी तो देखना चाहिए कि क्या पता किसी और ने हमसे ज़्यादा मेहनत करी हो इस वजह से उन्हें फल मिल गया हो। यही प्रैक्टिकलिटी है कि दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, जिसने ज़्यादा एफर्ट डाले होंगे, जिसकी उस दिन की किस्मत भी थोड़ी अच्छी होगी, जिसने ज़्यादा बार रिपीटेटिवली रिवाइज किया होगा, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो इस चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगा यार कि बुरा नहीं लगेगा किसी को, बट अगर आज बुरा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, कल बुरा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लगातार चले जा रहा हो एंड आप अपनी पढ़ाई ना कर सको तो वो दिक्कत है। तो इस दिक्कत को कैसे निकालना है ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक का थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो मेरा है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी थी, मेरे को था कि नहीं पहले मैं एक बार शेयर कर लूँ सबसे एंड इसके बाद मैं वापस पढ़ूंगा। तो यार एक बात आओ, जब भी हम लोग अपनी पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स जो भी होंगे वो बैठे होंगे, वो पीछे अपने साइकिल को पकड़ के बैठते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब आप साइकिल चलाओ। हमें ट्राई करते हैं, वो कई बार फिर बीच में हाथ छोड़ देते हैं एंड देन हम गिरते हैं। जब हम गिर जाते हैं इसका ये मतलब तो नहीं होता हम वापस से उठ के साइकिल पर नहीं बैठेंगे, या जीवन भर हम कह देंगे नहीं हमारे बस का ही नहीं, हमारे साथ भगवान ही नहीं, हमारी किस्मत ही नहीं है, एक बार गिर गए ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक या तो मैं पैडल ही नहीं मार रहा तो मेरी गलती है भाई, किसी और की नहीं है, दूसरी मैं पैडल मार रहा था बट मेरे से बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं आई वॉज लैकिंग। जब मैं अगली बार साइकिल को चलाऊँगा तो मैं देखूँगा कि यार मैं किस तरीके से बैलेंस कर सकूँ, राइट? तो उस जैसी मैंने वो बैलेंसिंग सीख ली तब मैं सही ट्रैक पर चल सकता हूँ। यही चीज़ अब हमने प्रीलिम्स और अपने मेंस आगे के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है, जिसमें कि अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारी गलतियाँ थी, जो हमारी मिस्टेक्स थी पहले की, उन चीज़ों को किस तरीके से हम बेटर कर सकें, और जैसे ही वो बेटर होंगी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और ऐसा भी नहीं होता यार, बहुतों का शायद ये भी हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था, ख़त्म हो गया, या फिर गॉड फॉरबिड बट क्लियर ही ना हो, राइट? क्या पता मैं भी हो सकूँ उसमें, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस आई एम वर्किंग ऑन द राइट पाथ। और अब रुकना नहीं है यार, वो हैशटैग रीस्टार्ट, बट वी विल नॉट रीस्टार्ट, वी विल रिज्यूम। रीस्टार्ट जीरो से शुरू नहीं करेंगे, वी विल रिज्यूम, वी विल वर्क बेटर। बस इतना ही मेरे को कहना है, मैं कोई यार फिलोसोफर नहीं हूँ या फिर कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, पर मेरे में मन में कुछ फीलिंग्स थी तो मेरे को तो एक्सप्रेस भी करूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे को टेक्स्ट भी आए थे कि यार वी आर फीलिंग लो वगैरह वगैरह। तो मेरे को था मैं अपनी भी फीलिंग्स को आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करूँ। बाकी अब मेरे को पढ़ना है थोड़ा, तो अब मैं बस पढ़ूंगा। आप लोगों से विदा लेते हैं जी। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक दिन लो, दो दिन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट देन गेट बैक टू द वर्क। नमस्ते।